दोस्तों ये देखिए, ये बनाई है ये पनीर छोले की रेसिपी। ये सादा सिंपल और खाने में इतनी धांस हुई है कि बनाएंगे तो उंगलियां चाट जाएंगी। तो अगर आपको भी ये रेसिपी पूरी बनाना सीखना है तो इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। तो ये देखिए यार, ग्रेवी कितनी शानदार है। ये देखिए, ये 100 ग्राम छोले जो मैंने अभी 3-4 घंटे पहले गलने के लिए डाली थी, और अब डालेंगे 1 चम्मच एक खड़ा गरम मसाला। ये पूरा मिक्स है, ये सब कुछ है। और अब डालते हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी ये हल्दी हो गई है, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा सा ये अपने स्वाद के हिसाब से नमक। और अब डालते हैं इसमें पानी, एक कम से कम 1 से 1.5 कटोरी ये पानी दिया है। और अब इसमें 1 से 2 सीटी अपन लगाएंगे। चलिए तो इसे गैस पे रखते हैं और इसमें 2 सीटी लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेवी के लिए 3 टमाटर, 2 प्याज की गांठ, और ये इतना लहसुन, और एक छोटी सी ये देखिए टुकड़ा अदरक का, और 2 हरी मिर्ची। तो इन सभी को काट के अपन कर लेंगे फ्राई। तो ग्रेवी बनाने में या तो आप फ्राई कर सकते हैं या इन्हें सबको उबाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्राई कर लेता हूँ, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए इन सभी को काट के मैं बताता हूँ फ्राई कर लेना है। तो ये कढ़ाई ली है, और यहाँ पर ये 1 छोटी चम्मच 1.5 चम्मच ये कुकिंग ऑयल। यहाँ पर तेल हो चुका है गरम, और सबसे पहले डालते हैं ये अदरक, हरी कटी हुई मिर्ची, और ये लहसुन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी थोड़े फ्राई हो चुके हैं, और अब डालते हैं टमाटर और प्याज, ठीक है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक असल में ये छोले फ्राई करने के लिए, उबलने के लिए रखे थे, उसमें डालना। तो ये देखिए थोड़ा सा ये नमक, इससे ये अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे सभी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नमक डाल के, और इन्हें अपन 4 से 5 मिनट अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो इसे मैं ढक के फ्राई कर रहा था, ठीक है। तो ये ढक्कन निकालते हैं और देखते हैं क्या है अभी अच्छी पोजिशन। तो यहाँ पर गैस करते हैं स्लो, और ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं सभी। तो यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 मिनट और ऐसे फ्राई कर लेता हूँ, उस तरह अपन इसे बंद कर देंगे, ठीक है। दोस्तों ये फाइनली 5 से 6 मिनट ऐसे फ्राई कर लिया है, और गैस कर देते हैं ऑफ, और बस ऐसे थोड़ा इसकी भाप निकाल दो। तो अभी लेंगे मिक्सर का जार, और इसमें ये सभी डाल लेंगे। और दोस्तों इसका जो पेस्ट बनाएंगे बिल्कुल फाइन, बिल्कुल मतलब अच्छा बारीक सा पेस्ट अपन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये देखिए ग्रेवी कितनी शानदार अपनी बनी है। तो चलिए अब ग्रेवी तैयार है, गैस करते हैं ऑन। तो ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच ये तेल। तो ये छोटी चम्मच है, मतलब मीडियम चम्मच। तो ये आधी चम्मच से भी कम यहाँ पर लिया है ये जीरा, और अब डालते हैं 2 तेज पत्ता। इसी में डाल देंगे ये ग्रेवी। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी ग्रेवी जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि आप ये फ्राई तो है ही पहले से, और बस इसमें थोड़ा सा अपन को भूनना है। ग्रेवी डालने के बाद अब डालेंगे थोड़े से मसाले। दोस्तों 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची, और यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। यहाँ पर 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर हल्दी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हल्दी जो अपन ने छोले फ्राई किए थे उसमें डली है। तो अब बस इसे ग्रेवी को अपन भून लेंगे धीमी आंच पे, जब इसमें तेल छोड़ देगी थोड़ा, तो अपन इसमें डालेंगे। पर दोस्तों ये देखिए ये मसाला मैंने कहा था कि जो तेल छोड़ देगा, ये देखिए यहाँ पर कम से कम 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर इसे अच्छे से भूनते भूनते हो चुके हैं। और अब डाल दें इसमें पनीर मसाला, तो कोई भी आप डाल दीजिए 1/2 चम्मच से कम पनीर मसाला, और यहाँ पर थोड़ा सा ये काला नमक, ठीक है। तो दोस्तों अब डालते हैं ये छोले, जो 2 सीटी अपन ने लगा कर रखे थे। तो यहाँ पर ये छोले इसी के साथ डालेंगे ये 150 ग्राम पनीर, ठीक है। तो ये कटा हुआ पनीर 150 ग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों ये 100 ग्राम छोले और 150 ग्राम पनीर यहाँ पर लिया है, और ये 3 से 4 लोग इसे अच्छे आराम से इसे खा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है इतना सब कुछ।
यहाँ पर थोड़ा सा पानी और मैं जो ग्रेवी का ये देखिए ना सब धो के रखा था ये भी इसमें ऐड कर देता हूँ और इसे या बस खोल आने तक इसे पका लेना है और बाकी फिर मैं बताता हूँ हम क्या डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों ये गैस को कर दिया है बंद और 5 से 6 मिनट अच्छे से इसे मतलब उबाल के ये अपनी ग्रेवी तैयार है पूरी ये छोले पनीर की। तो अब डालते हैं इसमें ये फाइनली धनिया ये देखिए दोस्तों क्या शानदार है। तो आप इसे बनाइए खाइए और एंजॉय कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना जिससे पिछले टैलेंट का भला हो सके। ठीक है तो मैं चलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन मिलेंगे। ठीक है।